प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th मैथ वर्कशीट नंबर 25 त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब पर यहाँ चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC, और उस त्रिभुज में हम माध्यिकाओं को कैसे दर्शाते हैं इस पर चर्चा करते हैं। यदि हम एक त्रिभुज ले लें ABC, तो उसमें यदि किसी एक शीर्ष बिंदु से यदि उसके अपोजिट विपरीत भुजा के मध्य बिंदु को मिला दें तो वो भुजा एक माध्यिका कहलाती है। जैसा कि वर्कशीट में लिखा है कि त्रिभुज ABC लिया, भुजा BC का मध्य बिंदु D प्राप्त किया और शीर्ष A से मध्य बिंदु D को मिलाते हैं तो प्राप्त रेखाखंड AD त्रिभुज ABC की माध्यिका कहलाएगी। इसी तरह यदि हमारे पास कहा है कि ज्यामिति में किसी त्रिभुज में शीर्ष को उसकी पर सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। इस त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाएं बनाई जा सकती हैं, जैसा कि हमने इस त्रिभुज में बना दी गई। तो A शीर्ष बिंदु से BC के मध्य बिंदु को मिला दें तो AD माध्यिका हो गई, B के से और AC के मध्य बिंदु को मिला दें तो BE माध्यिका हो गई, C शीर्ष से AB के मध्य बिंदु को मिला दें तो CF हो गई। तो ये 3 माध्यिका हो गई और इस 3 माध्यिकाओं के जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, एक दूसरे को काटने वाला पॉइंट है, उसको हम कहते हैं केंद्रिका। यदि इस बिंदु को कहें तो हम इसका नाम लेते हैं केंद्रिका। केंद्रिका का मतलब है कि माध्यिकाओं के बीच का जो पॉइंट है उसको हम केंद्रिका कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेंट्रोइड कहते हैं। तो ये हमारे पास ये केंद्रिका हो गई। अब यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है उन पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कहा गया, पता कीजिए कि एक त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर होती हैं या बाहर होती हैं। तो अंदर होती हैं। क्या त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं? हाँ जी, यस करती हैं, एक ही बिंदु पर करती हैं, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है। यहाँ तीसरा बिंदु है, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसका नाम हमने लिख दिया, उसको कहते हैं केंद्रिका। आपका आंसर मिल गया। अब इस त्रिभुज में एक दूसरा त्रिभुज लिया, त्रिभुज PQ की माध्यिकाओं के नाम लिखिए। तो यदि हम त्रिभुज PQR बनाते हैं तो उसमें हमारे पास PQR और इसकी माध्यिका लें तो इनके नाम बताए गए कि ये माध्यिका क्या है। जैसे यहाँ इसका मध्य बिंदु ये है तो यहाँ इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, और इसका मध्य बिंदु को यदि हम लेंगे तो इस तरह से दिखाएंगे, और यहाँ जो बिंदु दिखाए गए हैं उनके हम नाम कर देते हैं कि PQR के जो मध्य बिंदु हैं वो क्या हैं। इसमें यहाँ क्या है, A, ये क्या है B, और इसको कह दिया C। तो यहाँ पर जो 3 आंसर होंगे उसमें माध्यिका होगी सबसे पहले PB, दूसरे में हो जाएगी यदि हम लेंगे क्यू से तो QC, और तीसरी हो जाएगी AR या RA। हम इस तरह से तीनों के खाली स्थानों को भर देंगे। फिर अगला पॉइंट आता है कि हम त्रिभुज DEF में एक रचना कर रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक समझिए। और DEF लिया है, शीर्ष D से उसके सम्मुख भुजा EF पर एक लंब खींच दिया। तो यदि हम इसमें फिर लंब मान लें कि ये इसको हम लंब ले लें, अब यदि अलग बात एक त्रिभुज और बना देते हैं कि यहाँ एक त्रिभुज ले रहे हैं हम DE और F, यहाँ से लंब डालते हैं तो लंब का मतलब है कि ये आधार वाली भुजा पर 90 डिग्री कोण बनाएगा, समकोण बनाएगा, तो ये लंब हो जाएगा। ऐसे यहाँ इस त्रिभुज से भी इधर लंब बना दें, ये लंब बन जाएगा। इस यहाँ इस बिंदु से बना दें तो ये भी कहीं ऐसे लंब बन सकता है। तो ये हम इनको पॉइंट कह दें कि ये लंब बनाया गया तो जी बिंदु मार्क किया गया कि ये जी है। अब यहाँ पर उसमें कहा गया कि यदि डी शीर्ष डी से उसके सम्मुख भुजा EF पर एक बिंदु खींचते हैं तो प्राप्त रेखाखंड DG त्रिभुज DEF का एक शीर्ष लंब कहलाएगा। इस तरह से यदि हमारे पास किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से होकर जाने वाले रेखा को उस शीर्ष के सम्मुख भुजा पर लंब डाल होती है उसे त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। अब भुजों तो जाने उस पॉइंट पर चर्चा की गई, दो क्वेश्चन डाले गए, दो पॉइंट डाले गए हैं। एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंबों की रचना कर सकते हैं? तो 3।
इसका आंसर होगा त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु का नाम कहते हैं यहाँ लंब केंद्र। इस बिंदु को कहेंगे यहाँ कह देते हैं लंब, ये लंब का केंद्र है, इसको हम कहेंगे लंब केंद्र। जैसा कि हम यहाँ माध्यिकाओं के इन प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं केंद्रिका, ऐसे लंब के प्रतिच्छेदी बिंदु को लंब केंद्र कहेंगे, ऑर्थो सेंटर कहेंगे। यहाँ ये तैयार हो गया। अब हमारे पास आगे पूछा गया कि यदि इसी तरह से जैसा यहाँ ये पी क्यू आर एक त्रिभुज बना, यहाँ भी एक त्रिभुज बना दिया गया और ये लंब बना दिए गए कि ये लंब है, तो यहाँ फिर पूछा गया कि लंबों के नाम लिखो, तो लंब के नाम क्या होंगे, इसमें कहा त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष लंबों के नाम बताओ, तो यदि लंब यहाँ है वही लंब यहाँ हो जाएंगे, ऐसे यहाँ दूसरे पार्ट में लिखेंगे तो पी भी लंब हो जाएगा, दूसरा लंब क्यू आर क्यू सी लिख सकते हैं, और तीसरा जो लंब होगा वो आपका आर ए हो जाएगा, तो ये लंब हो गए। अब आगे क्वेश्चन आते हैं कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो जैसा कि हम यहाँ दिखा चुके हैं फिर एक बार कर देते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन करने के लिए कहा गया, तो क्वेश्चन नंबर एक में कहा गया कि एक त्रिभुज बनाओ, हम त्रिभुज को थोड़ा अलग बना देते हैं, ऐसे ये बना दें ए बी और सी, तो इसमें क्या गया कि एक माध्यिका बनाओ, तो ए से माध्यिका बनाएंगे, बी सी के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, तो ये इस तरह से ये रेखा आएगी और इसको हम कह देते हैं डी बिंदु। ऐसे ही यदि हम ए सी का मध्य बिंदु लें तो यहाँ कहीं होगा और बी को इससे मिला दें तो ये ई बिंदु हो जाएगा, और सी से हम शीर्ष बिंदु मिलाएंगे, ए बी का मध्य बिंदु होगा उसको हम एफ कह दें, तो एफ को सी से मिला दें इस तरह से, तो ये माध्यिका हो जाएंगी, और इसको हम जी से दर्शाते हैं। यहाँ तीनों माध्यिकाएँ हमने दिखा दी गई कि ये तीनों माध्यिका हो गई, और इसमें दो माध्यिकाएँ तीन हैं, वो ए डी माध्यिका हो गई, बी ई हो गई और सी एफ तीन माध्यिका हो गई हैं। उसने यही कहा है कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज की तीनों शीर्ष लंबों को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यदि हम ऐसा ही एक त्रिभुज बना देते हैं तो इसमें जो लंब होंगे वो कहाँ हो सकते हैं, हम उनको देखना पड़ेगा कि यदि हम यहाँ पर ए लेते हैं, ये बी भी लेते हैं और ये सी बिंदु लेते हैं, तो यहाँ से जो लंब होगा वो सीधा 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस तरह से, यहाँ हम इसको डी कह दें। यहाँ से यदि लंब हम बनाते हैं तो ये लंब कहीं इस तरह का हो सकता है, ई बिंदु पर हो सकता है, और यहाँ से लंब बना दें तो हो सकता है ये ए सी ही एक लंब हो जाए, या यहाँ से कुछ और रेखा ऐसी हो सकती है कि वो यहाँ आ जाए लंब। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ ये किस साइड में होंगी, ये पॉइंट त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, यदि हम इसको और एक और त्रिभुज बना दें इस तरह से बना दें, तो यहाँ हमारे पास त्रिभुज के बाहर भी इसका केंद्र बन सकता है, क्योंकि यहाँ से यदि हम पी क्यू आर ए, अब यहाँ से देखो ये तो लंब आ गया, यदि हम यहाँ से लंब बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन इसके ऊपर आएगी, ये आपके पास इसको आगे बढ़ाने के पर बन सकता है इस तरह से, तो ये बाहर बन सकता है लंब, और यदि इस बिंदु से बनाएं तो हो सकता है कि इसमें आगे इसको बढ़ा दें भुजा को, तो यहाँ का ये लंब बने, तो इस तरह से ये लंब जो होते हैं वो बाहर भी बन सकते हैं शीर्ष लंब इस तरह से। तो ये जहाँ आगे इनको आगे एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं या लंब केंद्र कहते हैं, ये त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। इस तरह से आपके क्वेश्चन हो गए। यहाँ हमने दो क्वेश्चन लिए, जैसा दो क्वेश्चन बनाए तो दो के लिए एक पहले माध्यिकाओं का बनाया गया रचना और एक शीर्ष लंबों की रचना बनाई गई। यदि हम ऐसा कोई त्रिभुज ले लें तो इसमें हो सकता है कि ये बाहर भी इसका ये तीनों लंब कहीं बाहर जाके बन जाए।